हाय फ्रेंड्स, आज हम ये ट्यूबलेट रिपेयरिंग करने के बारे में बात करेंगे। ये ट्यूबलेट पावर जाके आने की वजह से ट्यूबलेट जो है ना ऑन नहीं हो रही। इसमें लाइट्स तो आ रही लेकिन ऑन नहीं हो रही। मैं बताता हूँ वो कैसा है। अब ये स्विच ऑन करने के बाद में आपको दिख रहा होगा लाइट कॉर्नर पे रेड लाइट आ रही लेकिन ट्यूबलेट ऑन नहीं हो रही। तो इसको जो है ना, ये मैक्सिमम प्रॉब्लम चौक का आता है इसके अंदर। हम इसको चौक बनाने का देखेंगे। देखिए, मैं स्विच ऑफ कर दिया तो वो चले गया। अभी हम ऑन कर रहे हैं तो बस खाली इतना ही आ रहा, ट्यूबलाइट ऑन नहीं हो रहा। तो इसको चेक करेंगे, ठीक है। मैं कैसा चौक चेंज करना मैं आपको बता देता हूँ। और ये ट्यूबलाइट पहले ओपन करके मैं आपको बाहर निकाल के बताता हूँ। खोलना तो बहुत ईजी है, कोई बड़ा काम नहीं है खोलना फिट करना। अब मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं आप कैसा फिट करना है या कैसा इसको ओपन करना है, ठीक। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे देखिए मैंने इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद में यहाँ पे एक स्क्रू है, इधर वाला एक स्क्रू कॉर्नर का। ये तो सबको पता है इसको खोलना कैसा है। अब मेरे पास कोई दूसरा वाला है तो मैं उसमें से देख के डालेंगे, सोच के देख लिया जो इसलिए खोल लिया इसको। अब क्योंकि ये जो है ना, इसके अंदर का जो चौक की जो जगह है, ये जगह अलग है। मेरे पास एक पुराना वाला है, ये बजाज कंपनी का चौक है। क्योंकि मैक्सिममली वो जो प्रॉब्लम है चौक का ही है, तो मैं आपको ये वाला चौक इसमें फिक्स करके बताऊंगा अगर ये फिक्स होता है तो। क्योंकि हम इसमें ये कंपनी अलग है और ब्रांड अलग है दोनों भी। हम इसको ये कंपनी और ये कंपनी अलग अलग है। अभी ये वाला तो इसके अंदर फिक्स था ये, लेकिन अभी पता नहीं ये बाजू वाला आएगा या नहीं आएगा, ये बजाज कंपनी का, ठीक है। कनेक्शंस जो है ना सिमिलर है इसके जैसा। आप इसमें दो फोर वायर आएंगे इसके अंदर। ये दो वायर है, एक दो वाले यानी कि दो छोटे वाले जो है, छोटे या बड़े, राइट साइड लेफ्ट साइड पे। आप जब भी कट करें वायर को ध्यान से देख के कट कर लें। और ये दो वायर में से आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, राइट साइड में दो, लेफ्ट साइड में दो, ठीक है। तो मैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें दो वायर लगाया हूँ। दो वाले छोटे हैं जो कि राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कहीं भी लगा सकते हैं, और ये दो वाले बड़े हैं जो कि राइट साइड में और लेफ्ट साइड में लगा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको फिट करके बताऊंगा इसको कैसा फिक्स करना है। अगर हो गया तो अच्छा है, नहीं तो फिर देखेंगे दूसरा कोई ऑल्टरनेट करेंगे। तो फ्रेंड, ये हो गया ये इसका फिक्सिंग का। अब हम क्या करेंगे, इसको कनेक्शन दे देंगे। देखिए, ये यहाँ पे कनेक्शन है और यहाँ पे दो कनेक्शन है, ठीक है। ये कंप्लीट करके मैं टेपिंग कर दूंगा और ये जो फिक्सिंग है ये यहाँ पर फिक्स करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्यूबलाइट लगती है नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, ये फिक्सिंग हो गया हमारा पूरा। हम इसको अभी ऊपर लगाएंगे और ऊपर लगा के टेस्ट करेंगे ट्यूबलाइट चालू होती है नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हम ट्यूबलाइट जैसा था वैसा फिक्स कर दिए उसके अंदर। अब मैं आपको ऑन करके बताता हूँ। ऑन करने के बाद में आप देखो आप कैसा ऑन होता नहीं होता। ये देखिए ट्यूबलाइट हमारी काम कर गई। वो इसके अंदर जो प्रॉब्लम था वो चौक का प्रॉब्लम था। मैं आपको बताता हूँ, ये वाला चौक है, इसमें जो है ना ये प्रॉब्लम आ गया था, लेकिन इसमें बजाज का फिट कर दिए हम, फिक्सिंग हो गई, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी दिखी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और एक चीज़, आपको जो कुछ भी अगर इसके अंदर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ में ये है कि आप चौक जब भी चेंज कर रहे हैं तो ठीक से वायरिंग करना और टेपिंग बराबर ठीक से करना, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू।